प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे इफिशियो 2 अध्याय और उसका नंबर 15-16। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। इसी में जब हम ये वचन पढ़ते थे तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने समझाया कि यीशु मसीह ने अपने शरीर के अंदर बैर को और व्यवस्था को जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी यीशु ने उनको मिटा दिया, बैर को भी मिटाया और व्यवस्था को भी मिटा दिया। हम देखते हैं संसार में व्यवस्था को जो आज भी लोग मान रहे हैं उनमें प्रेम नहीं है, वो बैर रखते हैं एक दूसरे से, लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि जब हम यीशु मसीहा की ओर देखते हैं तो उसके पवित्र लहू से हमें छुटकारा मिला है, क्योंकि क्रूस पर बैर और व्यवस्था यीशु के अपने शरीर में यीशु ने उस व्यवस्था की आज्ञाएं जो विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इस वचन से हमें ये समझना है कि वो जो दीवार थी परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, व्यवस्था और बैर जो था वो खत्म कर दिया यीशु मसीह के। जब क्रूस की ओर हम देखते हैं, सिर में कांटों का मुकुट, हाथ पैर में कील, छाती में भाला लगा है, और 39 कोड़ों की मार और लहू बह रहा है। हम पढ़ते हैं इफिसियों 2:13 पर, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हम यीशु के लहू के द्वारा निकट हुए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब मसीह यीशु का लहू की सामर्थ को हमें समझना, ये लहू क्या है? ये वही लहू है निर्गमन की पुस्तक में, जब मिस्र के ऊपर पहलोठों की जान के ऊपर बनाई, तब मेमना बलि किया गया और उसका लहू इजरायलियों के घरों पर लगाया गया, और जब मृत्यु का दूत रात के समय आया तो जिन जिन घरों पर वो लहू लगा था उन घरों को उस मृत्यु के दूत ने छोड़ दिया और मिस्र में जाकर मिस्र के पहलोठों को मार डाला। हम देखते हैं इन वचनों से कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ है। अब नए नियम इफिसियों 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 12 से,
तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार वो क्या थी? वो दीवार थी व्यवस्था, और व्यवस्था के कारण होता था बैर पैदा। परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने ही शरीर के अंदर उस बैर और व्यवस्था को जो आज्ञाओं और विधियों की रीति पर थी उनको मिटा दिया और अपने लहू से हमारा पिता के साथ मेल करा दिया। अब यीशु मसीह के अंदर हम भी शून्यता में आ गए। ना व्यवस्था का कोई बंधन है, ना बैर हमारे अंदर है। यीशु मसीह के प्रेम में यीशु मसीह जैसे शून्य हो गया, यीशु के अंदर जब हम आ गए तो हम भी उस शून्य में, शून्यता में शामिल हो गए, क्योंकि यीशु ने अपने आप को यहां तक शून्य किया कि अपने आप को यहां तक आज्ञाकारी रखा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब हम इस क्रूस की मृत्यु को समझते हैं और इसके क्रूस की मृत्यु के अंदर एक जो युद्ध था व्यवस्था और बैर, समाज के दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह से बैर किया और व्यवस्थापकों ने अपनी व्यवस्था की आज्ञाएं और विधियों का हवाला देते हुए यीशु मसीह के ऊपर दोषारोपण करे और उसको क्रूस पे चढ़वाया। इसलिए हम देखते हैं बैर भी था और व्यवस्थापक भी वहीं बैठे थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर दिया और वो क्रूस की मृत्यु भी धीरज के साथ, प्रेम के साथ सहली और क्रूस के ऊपर उस बैर को भी खत्म कर दिया और व्यवस्था को भी मिटा डाला। और उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जब यीशु मसीह की देह में हम आ जाते हैं उस क्रूस के अंदर, तो हमारा पिता के साथ उस लहू में होकर मेल हो जाता है और व्यवस्था और बैर का खात्मा हो जाता है। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। ये सुसमाचार यीशु मसीह की क्रूस की कथा, ये मृत्यु जिसके समझ में आ जाती है वो व्यवस्था से छुटकारा पाता है, वो बैर भाव से छुटकारा पाता है और वो मसीह के लहू के द्वारा पिता के साथ एक होता है। इस लहू की सामर्थ को हमें अच्छी तरह से समझना है। फिर नए नियम में एक जगह लिखा है कि जब तुम में कोई बीमार हो तो प्राचीनों को बुला लो और वो तेल लेकर उस पर प्रार्थना करेंगे और विश्वास की प्रार्थना से और उस तेल के लगाने से रोगी चंगा हो जाएगा। यदि उसने पाप किए हैं तो वो भी क्षमा किए जाएंगे। इसलिए प्रेयर ऑयल के बारे में हमें समझना है, प्रेयर ऑयल साधारण वस्तु नहीं है और पवित्र ऑयल जो है वो यीशु मसीह के अभिषिक्त लोगों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा, पवित्र लोगों के द्वारा प्रार्थना किया गया तेल, उसमें कितनी बड़ी सामर्थ है आप देख लो। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे क्या उनके अंदर खून नहीं था? क्रूस पर चढ़ने के बाद वो खून अर्घ के समान उंडेल दिया गया। वो खून तो यीशु मसीह जब शरीर में थे, जीवित थे, उपवास रखा था यीशु मसीह ने 40 दिन का, वो खून यीशु मसीह के अंदर तब भी था। यीशु जी जब
रात रात भर प्रार्थनाएं करते थे और भलाई का जो उनका स्वभाव था वो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को छुड़ाते थे और बीमारों को चंगा करते थे। वो भलाई का स्वभाव उस खून में तब भी था जब यीशु शरीर में होके चलते थे। और यीशु मसीह का विश्वास कैसा अनोखा और अलौकिक था कि उसने उस विश्वास से 4 दिन का गड़ा हुआ मुर्दा लाजर जिलाया। उसका विश्वास कैसा अद्भुत था, उसने मटकों में जल भर के उस जल को दाखरस बनाया। ये यीशु मसीह का विश्वास उस प्राण के अंदर था, उस लहू में था, अलौकिक विश्वास। पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता व अगुवाई। यीशु मसीह जब शरीर में होके चलता था तो शरीर में क्या लहू नहीं था? क्या प्राण यीशु के अंदर नहीं था? क्या वो प्राण यीशु मसीह को उठाकर जगह जगह अगुवाई उसको नहीं मिलती थी? क्या वो पिता की बातें सुनकर आज्ञाकारिता में नहीं चलता था? इस लहू में ये सामर्थ, ये बातें छिपी हुई है। यहोवा के आत्मा का अभिषेक। यीशु मसीह ने जब कहा था कि यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि बंदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाऊं, कैदियों को छुटकारे का संदेश दूं, काल कोठड़ी में पड़े हैं जो उनको निकालूं। क्या यीशु मसीह के अंदर जब रक्त नहीं था, प्राण नहीं था, जब उसने बोला कि यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, वो अभिषेक मेरे ऊपर है, वही खून क्रूस पर बहाया गया जो प्राण में होकर यीशु बातें कर रहा था इस संसार के लोगों से, शरीर में होकर वही लहू की सामर्थ्य को हमें समझना है। दुष्ट आत्माओं पर यीशु मसीह का अधिकार था। यीशु मसीह जब नगर नगर जाते थे तो दुष्ट आत्माएं उसके सामने गिर पड़ती थी और वह उनको बोलने नहीं देता था। और दुष्ट आत्माएं दूर से कहती थी, ये परमेश्वर का पवित्र जन है, वो कहती थी ये परमेश्वर का पुत्र है। क्या उस समय यीशु मसीह के अंदर प्राण नहीं था? क्या उसके अंदर खून उसकी नसों में शरीर में नहीं दौड़ रहा था? इसलिए यीशु मसीह के खून का सामर्थ हमें समझना है, उस तेल की सामर्थ को भी समझना जिस पे प्राचीन प्रार्थना करते हैं। वो मामूली साधारण चीज नहीं है। मृत्यु के दूत को नहीं आने दिया उस खून ने। निर्गमन की पुस्तक में जब वो मृत्यु का दूत मिस्र में आया, क्योंकि वो खून वही मेमने का खून गेट पे लगा था। आज यीशु मसीह का खून बहाया जा चुका है और पिता ने उसकी गवाही दी, कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह के अंदर वो प्राण उस समय था जब पिता उसकी गवाही दे रहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। पिता की गवाही स्वर्ग से दी गई, स्वर्ग सिंहासन तक पहुंच गया वो जब यीशु मसीह यहां वध हुआ, क्रूस पर मरा। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह के मरने के पश्चात और स्वर्ग जाने के पश्चात भी दर्शन में देखा, वहां मेमने को वध किया हुआ मेमना देखा। सॉरी, उस वध किए हुए मेमने को जब स्वर्ग में देखा गया तो यूहन्ना ने लिख दिया प्रकाशित वाक्य में, और वो लहू जो सिंहासन के तले से स्वर्ग से बहता है, वहां करोड़ों स्वर्ग दूतों ने, स्वर्ग में प्राचीनों ने गवाही दी, और गवाहों का एक बड़ा झुंड खड़ा था उस लहू के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए। स्वर्ग में स्थिरता, सिंहासन से निकलता हुआ लहू की नदी जो आज भी बहती है, इस खून का हमें समझना है कि ये ब्लड जो है यीशु का आज भी ताजा है, आज भी रोगों को चंगा करता है, आज भी पापों को क्षमा करता है। उसकी सामर्थ्य आज कम नहीं हुई है, इसलिए हमें समझना है इस लहू का रहस्य। यीशु मसीह का जो खून है वो मामूली चीज नहीं है।
और इस क्रूस की मृत्यु की जो कथा वो साधारण चीज नहीं है। जब एक परमेश्वर का जन एक तेल या पानी पर जब प्रार्थना करता है, एक प्राचीन अभिषिक्त परमेश्वर का पवित्र जन किसी के घर आकर रोगी के लिए प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना करता है और उस ऑयल पर प्रार्थना करता है, तो दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। वो सारी यीशु मसीह की भलाई उस तेल में छिपी है। वो 40 दिन की प्रार्थनाएं जो उपवास किया वो उस ऑयल में छिपा है। पिता के प्रति जो यीशु मसीह का अलौकिक विश्वास है वो उस लहू के अंदर छिपा है, उस तेल के अंदर छिपा है। पवित्र आत्मा की जो आज्ञाकारिता में यीशु मसीह अगुवाई पाकर चला वो रहस्य उसमें छिपा है। यहोवा के आत्मा का अभिषेक उसमें छिपा है। दुष्ट आत्माओं के ऊपर एक बड़ा अधिकार उसमें छिपा है, क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह ने अपनी देह में बैर अर्थात व्यवस्था, जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। वचन बहुत गंभीर है, हमें इसको समझना है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इफिसियों 2:13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। इस ब्लड की सामर्थ को हमें समझना है। ये हाबुल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आज भी यीशु मसीह के खून का मतलब है माफी। यीशु मसीह का खून का अर्थ है क्षमा। उसके खून का मतलब है चंगाई, छुटकारा, उद्धार, पापों की क्षमा। परमेश्वर के लोगों को हल्का ना समझे, हम परमेश्वर के सेवकों को हल्का ना समझें। हम सब लोगों को उनका आदर करना है। परमेश्वर के लोगों के प्रति हमें बहुत ही भय के साथ उनका आदर करना है और परमेश्वर के साथ जिंदगी जीनी है। परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध कोई बातें मन में ना सोचनी, ना किसी के बारे में बोलना है कुछ। यदि ऐसा कुछ हो किया है जाने अनजाने में, उसके लिए तौबा करनी, क्षमा मांगनी, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर के सेवकों के बारे में लाजर और धनवान, गरीब लाजर जिसको कुत्ते चाटते थे और धनवान की जो कहानी है उसमें भी अब्राहम पिता ने गवाही दी है कि मेरे सेवक पृथ्वी पर हैं। जब उनकी वे नहीं सुनते तो यदि कोई मुर्दों में से जी उठेगा तो उसकी कहां वो सुनेंगे। इसलिए हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर के अभिषिक्त जनों को समझना है कि उनके ऊपर क्या अभिषेक है और उस अभिषेक का आदर करना है। हमें मूसा की बहन के समान नहीं बनना है। जब मूसा अभिषिक्त मूसा से उसकी बहन ने कोई भी किसी बात पर विवाद किया था तो उसका क्या हश्र हुआ था। हमें परमेश्वर के अभिषेक और सेवक को समझना है। बहुत लोगों के जीवनों में, घरों में, परिवारों में परमेश्वर किसी का अभिषेक करता है तो उसके घर के लोग ही उसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसको पिछली जिंदगी की तरह उसको देखते रहते हैं। वो नहीं देखते कि इस जन के अंदर से परमेश्वर हमसे बातें करता है, इस जन के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, या इस परमेश्वर के जन के जरिए परमेश्वर अगुवाई देता है या बातें करता है। भूल जाते हैं इस बात को। इसीलिए वचन में लिखा है कि नबी जो है अपने घर में आदर नहीं पाता और अपने ही क्षेत्र में उसका अपमान होता है। ये बातें यीशु ने भी कही है। इसलिए हम सबको अच्छे से ध्यान से समझना है। यदि किसी के घर में कोई भाई बंधु, कोई भी परिवार का सदस्य मसीह के द्वारा चुना जाता है तो सब परिवार के सदस्यों को गंभीर होना है इस विषय में और परमेश्वर के लोगों के प्रति
सिखाने वालों के प्रति, वचन का सुसमाचार करने वालों के प्रति एक आदर अंदर होना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर रहता है। इसलिए परमेश्वर के लोग जो हैं, वो इस पृथ्वी पर मामूली व्यक्ति नहीं है, वो स्वर्ग में उनके विषय में गवाही दी जाती है। प्रभु कहता है, मेरे इन छोटे से छोटे में से किसी एक को तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके जो स्वर्गदूत है पिता के दाहिने खड़े रहते हैं। और यीशु ने भी गवाही दी, मेरे एक छोटे से छोटे एक विश्वासी को, एक बालक को जो मेरा कहलाता है, मेरे नाम का कहलाता है, उसको कोई ये समझ के एक गिलास पानी पिलाए के परमेश्वर का जन है, वो प्रतिफल नहीं खोएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक गिलास पानी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी प्रतिफल कहता है, पर वो प्रतिफल नहीं खोएगा। इसलिए परमेश्वर के इस कलाम के लिए, वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और सारी महिमा आदर गौरव हम यीशु के नाम में पिता परमेश्वर को देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू की सामर्थ तेरे लोगों को समझ आए, और तेरा पवित्र लहू तेरे लोगों के मन, प्राण, शरीर, आत्मा, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, समझ के ऊपर लगा देते हैं, और तेरे लोगों के अंदर परमेश्वर पिता आत्मा के भीतर, प्राण के भीतर, शरीर के भीतर, विचारों के भीतर, दिमाग के भीतर, इच्छाओं के अंदर, शरीर की सारी भावनाओं के भीतर लगा देते हैं यीशु का लहू, और यीशु मसीह की सामर्थ काम करे, व्यवस्था के बंधन टूटे यीशु के नाम में, और हर एक बैर जो यीशु मसीह ने अपनी देह में मिटा डाला, व्यवस्था को और उसकी आज्ञाएं और विधियों की रीतियों को यीशु ने जो मिटा डाला है, और उस पवित्र लहू के द्वारा हमारा मेल कर लिया है अपने साथ, हम उस यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, और प्रभु यीशु का लहू हम सबके हिफाजत करे, जितने यीशु से स्नेह करते हैं, जिसे जितने यीशु पे विश्वास करते हैं, उन सब पर यीशु का लहू लगा देते हैं, और परमेश्वर पिता उनके घरानों के ऊपर यीशु का लहू लेते हैं। यीशु मसीह का लहू उन्हें सुरक्षा दे, और यीशु मसीह का लहू पाप क्षमा करे, यीशु मसीह का लहू उद्धार करे, यीशु मसीह का लहू पूरा पूरा छुटकारा दे। यीशु के नाम में आमीन।